नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 4 सालों में अपने ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी नीतियों से लोगों के दिलों में मजबूत जगह बनाई है। पिछले 4 सालों के इन्हीं जनहितैषी नीतियों को लेकर हमारी खास पेशकश है 2 दूनी 4 खुशी अपार, 4 साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के चलते राज्य में कोदो, कुटकी और रागी यानी कि मिलेट्स की खेती को लेकर किसानों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पहले औने पौने दाम में बिकने वाला मिलेट्स अब छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छे दामों में बिकने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल के चलते राज्य में मिलेट्स की समर्थन मूल्य में खरीदी होने से किसानों को करोड़ों रूपए की आय होने लगी है। देश का इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ जहां समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा मिलेट्स। वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित। कोदो कुटकी उगाने वाले किसान समृद्धि की ओर। किसानों को कोदो से होने लगी करोड़ों की आय। बीज विक्रय से आमदनी में 4 गुना इजाफा। मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ को मिल चुका है देश के सर्वश्रेष्ठ उद्यमान राज्य का सम्मान। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम किया जा रहा है। कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य पर 3000 प्रति क्विंटल की दर से और रागी की खरीदी 3370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं मिलेट मिशन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021-22 में 5273 टन मिलेट जिसका मूल्य रुपए 16.3 करोड़ का समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया है। वर्ष 2022-23 में 13005 टन मिलेट जिसका मूल्य रुपए 39.60 करोड़ का समर्थन मूल्य पर क्रय करने का लक्ष्य है। देश के कई आदिवासी इलाकों में मोटे अनाज का काफी समय से प्रयोग किया जा रहा था। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है, इसलिए अब दूसरे इलाकों में भी इन अनाज का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोदो कुटकी को प्रोटीन व विटामिन युक्त अनाज माना गया है। इसके सेवन से शुगर, बीपी जैसे रोग में लाभ मिलता है। कोदो एक मोटा अनाज है जिसे अंग्रेजों में कोदो मिलेट या काउ ग्रास के नाम से जाना जाता है। कोदो के दानों को चावल के रूप में खाया जाता है और स्थानीय बोली में भगर के चावल के नाम पर इसे उपवास में भी खाया जाता है। बस्तर के आदिवासी संस्कृति व खान पान में कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के सहयोग एवं मार्गदर्शन से किसान कोदो के प्रमाणित बीज का उत्पादन कर अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करने लगे हैं। बीते 1 सालों में प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों की संख्या में लगभग 5 गुना और इससे होने वाली आय में 4 गुना की वृद्धि हुई है। इससे पहले भी मैं कोदो, कुटकी, रागी की खेती करता था, लेकिन समर्थन मूल्य ना मिलने के कारण मैंने बीच में उसकी खेती रोक दी थी। अब जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, अब जिन्होंने रागी, कोदो, कुटकी को समर्थन मूल्य लेके खरीद रहा है, जिससे हम सब किसानों को फायदा होता है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ।
वर्ष 2021-22 में राज्य के 11 जिलों के 171 कृषकों द्वारा 3,079 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया, जिससे बीज निगम ने 4,150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से खरीदकर उन्हें 1,28,18,000 रुपए से अधिक की राशि भुगतान की है। राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज सहकारी समितियों के माध्यम से बुआई के लिए प्रदाय किया जा रहा है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2020-21 में राज्य में 7 जिलों के 36 किसानों द्वारा मात्र 716 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया था। इससे उत्पादन किसानों को 32,88,000 रुपए की आमदनी हुई थी, जबकि 2021-22 में कोदो बीज उत्पादक किसान की संख्या और बीज विक्रय होने से लाभ कई गुना बढ़ गया है। बीते 3 वर्षों में कोदो प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों ने 1,65,18,633 रुपए का बीज छत्तीसगढ़ बीज एवं विकास निगम को विक्रय किया है। ऐसी कृषि भूमि जहां धान का उत्पादन नाम मात्र उत्पादन होता है, वहां कोदो की खेती किया जाना ज्यादा लाभकारी है। कोदो की खेती की कमी पानी और कम खाद की जरूरत पड़ती है, जिसके फलस्वरूप इसकी खेती में लागत बेहद कम आती है और उत्पादन कृषकों को लाभ ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में राज्य में मात्र 103 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन हुआ था। मिलेट्स मिशन लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अन्य शासकीय संस्थानों से समन्वय कर कोदो बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे बीज उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर का पोषण अनाज अवार्ड 2022 सम्मान भी मिल चुका है। राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए की आदान सहायता भी दी जा रही है। राज्य में कोदो कुटकी और रागी की खेती को राज्य में लगातार विस्तारित किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य में इसकी खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में मिलेट मिशन संचालित है। 14 जिलों ने IIMR हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय MOU भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी 2 गुना किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। लघु धान्य फसलों का अपना अलग ही महत्व है। इन फसलों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये फसलें आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में कम उपजाऊ उच्चहन और कंकरीली जमीन पर ली जाती हैं, जिसमें अन्य फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता। एक साल पहले कांकेर जिले में लघु धान्य फसलों का रकबा लगभग 5,400 हेक्टेयर था, जो एक साल में बढ़कर लगभग 10,056 हेक्टेयर हो गया है। उत्पादकता पूर्व में 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास था, जो एक वर्ष में बढ़कर 816 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। व्यवस्था नहीं होने के कारण कृषकों के द्वारा लघु धान्य फसलों के स्थान पर धान की फसल को प्राथमिकता दी जाती थी। साथ ही लघु धान्य फसलों का प्रसंस्करण अर्थात कोदो कुटकी से चावल निकालना व रागी की पॉलिशिंग करना अत्यधिक श्रम साध्य कार्य होने के कारण कृषकों के द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए ही उगाया जाता था। जो अतिरिक्त बच जाता था उसे स्थानीय व्यापारियों को कम दामों में बेच दिया जाता था। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लघु धान्य फसलों के उत्पादन व प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई, जिसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इस प्रकार कांकेर जिले में मिलेट मिशन की शुरुआत हुई। गत वर्ष 100 एकड़ में रागी,
कोदो व कुटकी के उन्नत किस्म के बीजों का बीजोत्पादन कार्यक्रम किसानों के खेतों पर किया गया। साथ ही साथ कोदो व रागी उत्पादक 300 किसानों का समूह बनाकर उन्हें उत्पादन और संग्रहण कार्य से जोड़ा गया। जो कृषक अपने उत्पादन कोदो रागी को कम दाम पर बिचौलियों को बेचा करते थे, वे अब समर्थन मूल्य पर लघु धान्य फसलों का विक्रय कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोदो कुटकी व रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। सरकार द्वारा घोषित नवीन समर्थन मूल्य कोदो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, कुटकी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल व रागी 3,578 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया जाएगा। प्रसंस्करण कार्य से समिति के सदस्यों को रागी में 15 रुपए प्रति किलोग्राम, कोदो में 20 रुपए प्रति किलोग्राम का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस तरह समूह के सदस्यों को 1.5 वर्ष में लगभग 9,50,000 रुपए की आमदनी प्राप्त हुई है और 2,300 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। साधना न्यूज से नितेश देवांगन की रिपोर्ट। देखिए, रागी, कोदो, कुटकी ये सभी जो है लघु धान्य फसलें कहलाती हैं और हमारे जिले में, कांकेर जिले में इसका रकबा पहले गत वर्ष जो है 5,500 हेक्टेयर के करीब था, जो इस वर्ष जो है एक वर्ष में बढ़ करके 9,500 हेक्टेयर करीब करीब पहुंच गया है। और इसके पीछे जो है सरकारी योजनाओं की के कारण इसमें प्रोत्साहन, पहले किसान भाई जो है इसको लगाते तो थे लेकिन उचित मूल्य के अभाव में और विपणन की उचित व्यवस्था ना होने के कारण इससे विमुख होते जा रहे थे धीरे धीरे। लेकिन सरकार के द्वारा इसमें जो समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के पश्चात और इसके लगाने के लिए लगभग 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इसके कारण लोगों में इसके प्रति रुझान बढ़ा है खेती के प्रति। और दूसरी इसमें जो बड़ी समस्या हो रही थी इसकी प्रसंस्करण के लिए, कोदो से चावल निकालना एक बहुत बड़ी समस्या, मतलब श्रम साध्य कार्य था, जिसको यदि 2 महिलाएं यदि लगी रहती दिन भर निकालने में तो करीब करीब 12-13 किलो ही निकाल पाती थी चावल, और ढेंकी जाता इसके माध्यम से निकालते थे। इसको हम लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से, जो जिला खनिज न्यास निधि है उसके सहयोग से इसको हम लोगों ने यांत्रिक, मतलब मशीनीकृत कर दिया। और मशीनीकृत करने से क्या हुआ कि प्रतिदिन जो है लगभग 10 कुंटल इसे चावल निकाला जा रहा है, जो इसमें लगभग 300 किसान जो इसके उत्पादक थे वही इसके उन्हीं लोगों से हम लोग संग्रहण कर रहे हैं और संग्रहण करके ये मशीन के द्वारा प्रसंस्कृत कर रहे हैं। प्रसंस्करण के पश्चात इसको हम लोगों ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के से जोड़ दिया है, जिससे स्व सहायता समूहों के द्वारा प्रसंस्करण करने के पश्चात ये आंगनबाड़ी में सप्लाई प्रदाय की जा रही है। और आंगनबाड़ी में जो महिलाएं, जो गर्भवती माताएं हैं और जो एनेमिक, मतलब रक्त अल्पता से ग्रसित हैं या जो कुपोषित बच्चे हैं, उन लोगों को कोदो का खिचड़ी और रागी हलवा के, रागी का हलवा सप्लीमेंट्री फूड के पूरक आहार के रूप में पूरे ज़िले में आंगनबाड़ी में प्रदाय किए जा रहे हैं। इससे एक ओर जहां स्व सहायता समूहों को रोज़गार मिल रहा है, वहीं पौष्टिक जो अनाज है वो जिले के माताओं को, बच्चों को मिल रहा है। इसमें सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो कृषक हैं उनको भी उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल रहा है। यहाँ पे जैसे देखा जाए कि एक लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई लगी हुई है और इस प्रसंस्करण इकाई में लगभग 4 मशीनरी यहाँ पर स्थित है। जैसे आप लोग देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला मशीन है वो क्लीनर कम गेडर कम एस्पिरेटर है, जहाँ की जब हम लोग किसान से जैसे हम लोग लाते हैं कोदो रागी या कुटकी, उसको यहाँ पे हम लोग सफाई करते हैं, उसमें जो कंकड़ रहते हैं या हल्का दाना रहता है वो यहाँ पे उड़ जाता है। उसके बाद में मेरे पीछे जो लगा हुआ है उसको डी हस्कर बोलते हैं, जो पॉलिशर के नाम पर भी जाना जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोदो का या रागी का ऊपर का छिलका जो है उसको निकाल देते हैं ताकि उसको पॉलिशिंग हो जाए और बाकी छिलके जो हल्के हो जाए। उसके बाद में मेरे बगल में तीसरा नंबर का मशीन है, उसको डी हलिंग कहते हैं, जिससे कि चावल का टुकड़ा
निकाला जाए, और उसके बाद में सफाई करने के लिए यहाँ पे और एक मशीन लगाई है, उसका नाम है पोस्ट राइट सेपरेटर, जो कि यहाँ हम लोग उसमें चावल डालते हैं और चावल को अच्छे से सफाई करके पैकेजिंग रूम में ले जाते हैं, और वहाँ पैकेजिंग रूम में पैक करके हम लोग उसको आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदाय करते हैं। वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट्स से बने व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विधानसभा में विधायक साथियों के लिए लंच आयोजित किया गया, जिसमें मिलेट से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया गया। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी की खरीदी कर रहा है। 23 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट से बने व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विधानसभा में विधायक साथियों के लिए लंच आयोजित किया गया, जिसमें मिलेट से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया गया। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी की खरीदी कर रहा है। मिलेट्स ईयर 2023 घोषित हुआ है और छत्तीसगढ़ में पहले ही कोदो कुटकी रागी का उत्पादन होता रहा है, और 2022 में ही हम लोगों ने कोदो कुटकी रागी का खरीदी शुरू किया, और इस साल लगभग 52,000 क्विंटल हम लोग कोदो कुटकी रागी खरीदी की है, और इस साल उसका उत्पादन भी बढ़ा है। क्योंकि समर्थन मूल्य कोदो और कुटकी का था नहीं, छत्तीसगढ़ के एकमात्र राज्य है जहां कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। किसान 1500 से 1800 के बीच में वो अपना कोदो कुटकी बेच देते थे, सरकार के द्वारा 3000 घोषित करने के बाद लोग और उसका रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है, और आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर यहाँ मिलेट से बने हुए सारी चीज़ें, जिसमें कोदो कुटकी के खीर, रागी के हलवा, फिर उसके कोदो का चावल और डोसा, वो सब सामग्री बने थे, बहुत बढ़िया बना है, और ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। तो बहुत सारे मिनरल्स कोदो कुटकी रागी के माध्यम से मिलता है, और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री जी इस मामले में बड़ी रुचि दिखाई और किस प्रकार से कोदो कुटकी रागी का उत्पादन कर रहे हैं, और मैंने उनको बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट लगा है, जिसकी शुरुआत पिछले 3 महीने पहले ही हम लोगों ने किया है। उसमें 22 प्रकार की सामग्रियाँ बन रही है, जो देश और विदेश में भी इसकी डिमांड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलेट्स कैफे शुरू करना चाहिए, तो उनके आग्रह को ध्यान में रखते हैं।